रमजान चल रहे हैं और आपने रोजा भी नहीं रखा। हाँ मैंने रोजा नहीं रखा, मुझे बाहर तक छोड़ के आई है। आप प्लीज जाइए, यहाँ अब्बा नहीं है, मेरी अम्मी बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है। 2 3 9 हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? होप हो गए सारे बढ़िया। भाई बड़े दिनों से आ रहे थे मैसेज और कमेंट्स के भाई प्रैंक करो, मुंबई में जाके प्रैंक करके आए, तो बहुत प्यारा रिस्पांस दिया आप सभी ने। मतलब ठीक है, अभी वहाँ पे एक बारी दिखा दो कौन बैठी हुई। अब मैं जा रहा हूँ इसके पास ये पूछने के लिए कि भाई रमज़ान चल रहे हो, रमज़ान में इसने रोज़ा क्यों नहीं रखा? क्योंकि पार्क में खाना खा रही है, तो अब पता लगेगा। दो मैं आया था प्रैंक करने के लिए, लेकिन ये बहन दिख गई। अब ये बहन दिख गई तो बहन के पास जाके पूछना तो ज़रूरी है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लेना ना कि नेगेटिव लेना है। तो हम जाके बहन से ये पूछेंगे कि आपने रोज़ा क्यों नहीं रखा। राजमा चावल, हाय, कैसे हो आप? कौन? मेरा नाम अजय है। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। आप कौन? रमजान चल रहे हैं ना? हाँ जी। तो रमजान चल रहे हैं ना? है? हाँ रमजान चल रहे हैं। तो आपने रोजा नहीं रखा, खाना खा रहे हो आप? नहीं रखा। आपको इससे क्या मतलब? नहीं, आप वैसे मुझे दिख गए तो मैंने सोचा एक बार आपके साथ जाके बात करूं कि रमजान चल रहे हैं और आपने रोजा नहीं रखा और आप पार्क में खा रहे हो। तो क्या हो गया? नहीं रखा है, वो मेरी मर्जी है, मैंने नहीं रखा है। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? नहीं मैं आपसे पूछ नहीं रहा, मैं आपसे बस ऐसे जनरली पूछने के लिए आया कि मतलब क्या परेशानी है, आप पार्क में ऐसे खा रहे हो। कोई परेशानी नहीं है, मैं आराम से खाना खा रही हूँ बस। आप चाहिए यहाँ से? आप कौन है? ठीक है जी, चला जाता हूँ। यहाँ पे आ जाऊँ? वहाँ से तो चला गया मैं। क्या तकलीफ है आपकी? आप बार बार क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? तकलीफ तो मेरी कोई नहीं है, बट आप जो मेरी तकलीफ थी वो आपको देख के दूर हो गई। क्या मतलब? कितनी अच्छी लग रही हो आप, पता? आप प्लीज यहाँ से जाइए, मुझे खाना खाने दीजिए। ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं आपकी शर्त क्यों मानने लगी हूँ? तो आपने बोला कि यहाँ से चले जाओ, जाने के लिए एक शर्त तो माननी पड़ेगी ना। मुझे कोई शर्त मेरी नहीं शर्त ये कि आप यहाँ से खड़े होके कहीं जाके और बैठो, क्योंकि यहाँ पे मैं बैठा हूँ, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। क्या मैं क्यों जाऊँ? मैं पहले बैठी थी, आप बाद में आए हो। मैं आपको दिक्कत आपको मेरे से तकलीफ हो रही है ना? मुझे तो आपसे तकलीफ नहीं हो रही। मैं मुझे तो आपसे कोई तकलीफ नहीं। आप प्लीज यहाँ से जाइए, मुझे खाना खाने दीजिए। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज यहाँ से जाइए। तो आपके और भी पास बैठ सकता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप मेरे पास क्यों बैठे हैं? लेकिन तो आपको मेरे साथ नहीं बैठना ना? नहीं मुझे आपके साथ नहीं तो बैठना। तो आप जाके वहाँ बैठ जाओ। मैं वहाँ पे क्यों बैठ जाऊंगी? क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ पे मैं बैठा हूँ तो आपको परेशानी हो रही है, तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, तो आपको यहाँ से उठ के वहाँ जाना पड़ेगा ना। आप मैं उठ के यहाँ से वहाँ जाऊंगा? मैंने कहा परेशान किया? मैंने आके इज्जत से हाय बोला। कैसे आप ये बार बार पास क्यों आ रहे हैं? पास कहाँ आ रहा हूँ, इस साले को बीच में रख रहा हूँ। साले तेरे को यहीं रहना, ठीक है? हिलियो मत यहाँ से, बस इतना डिस्टेंस तो काफी रहता। तो आपने एक बात बताओ, आपकी तबीयत खराब है कि आपने रोजा नहीं रखा? आपको इससे क्या मतलब? मैं रोजा रखूँ ना रखूँ वो मेरी मर्जी है, मेरी टेंशन है। आपकी मर्जी है, मतलब मैं इससे नॉर्मली पूछ रहा हूँ कि आप मतलब रमजान चल रहे हैं तो आपने रोजा क्यों नहीं रखा? नहीं रखा, मेरी मर्जी, तबीयत खराब है मेरी, मैं ये आपको क्यों बताऊँ? ओके सॉरी, आपकी तबीयत खराब है इसलिए आपने रोजा नहीं रखा। तो आपकी जब तबीयत खराब है तो आप पार्क में क्या कर रहे हो? आपको घर पे रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए। आपको यहाँ पे किसी की नजर वजर लग गई, कल के दिन मेरा क्या होगा? आपको इससे क्या लेना देना? मैं खाऊं, रेस्ट करूं, रोजा रखूं ना रखूं, आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? आप है कौन पहले तो ये बताइए। हाँ, मुझे सॉरी मैं तो बताना ही भूल गया। हाय माय नेम इज अजय। आप तो हाथ भी नहीं मिला रही हो, एक तो पूछ रही हो आप कौन, ऊपर से हाथ मिला। आप जाइए यहाँ से, आप प्लीज जाइए, मुझे परेशान मत कीजिए। एक काम करिए, आप मुझे बाहर तक छोड़ के आइए। आप प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज आप जाइए यहाँ से। आपने मुझे धक्का मारा, मैं पहले ही बहुत, आपने मुझे धक्का मारा ना, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आपने मुझे धक्का मारा, आपने मुझे धक्का मारा। आप एक काम करो, मुझे थप्पड़ मारो, मैं जब भी नहीं जाऊँगा। आप मेरी बात सुनिए, आप प्लीज जाइए यहाँ से, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी, मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, जॉब नहीं मिल रही, मेरे घर पे बहुत तकलीफ है। आप प्लीज जाइए, ठीक है? ओके, बट ये झूठ बोलना बंद करो। झूठ? पार्क में कौन इंटरव्यू देने के लिए आता है? साफ झूठ ही बोल रहे हो आप। तो ठीक है, पार्क में आई थी, आपको इससे क्या मतलब? आप जाइए यहाँ से। ठीक है जा रहा हूँ। वैसे क्या राजमा चावल खा रहे हो क्या?
आपको खाने हैं? अगर आप अपने हाथों से खिला दोगे तो खा भी लेंगे। नहीं, मुझे नहीं खिलाना, आप जाइए, प्लीज जाइए। कैसी बात करें, आपको शर्म नहीं आती है यहाँ पे? आपको इतने बड़े पार्क में और कोई नहीं मिला है, मैं ही मिली हूँ आपको। आपको दिख रहे, लोग देख रहे हैं, तमाशा लग रहा है। पार्क की एंट्री पे ही इतने गुलगुलाब से वो बैठे हो तो फिर इधर उधर जाने का काम मन करे। बहुत हो चुका है, ठीक है, अब आप प्लीज जाइए यहाँ से। ठीक है, प्लीज जाइए यहाँ से। ओके ओके, जा रहा हूँ, लेकिन आप पहले अपना नाम तो बताओ। ठीक है, मेरा नाम सुन के आप चले जाएंगे? आफरीन नाम है मेरा। आप अब जाइए यहाँ से। आफरीन आफरीन, ये मैंने इसके साथ आने से पहले शर्त लगाई थी कि मैं नाम पूछ के जाऊंगा, तो देख ले साले, नाम पूछ लिया, आज के बाद बकवास मत करियो, जो काम बोलूँ वो कर लियो, समझ आ रही है तेरे? थैंक यू। वैसे इफ यू डोंट माइंड, मेरे जानकार के मतलब मेरे जो दोस्त हैं उनके 3-4 ऑफिस हैं बहुत अच्छे लेवल पे, अगर आपको जॉब वगैरह करनी है तो मैं वहाँ पे आपकी जॉब लगवा सकता हूँ। मैं आपकी, आप, मैं किसी की, आप एक काम करो, आप मुझे अपने रिज्यूम दे दो, मैं आपकी जॉब 3 दिन में वो करवा देता हूँ, बिल्कुल फाइनल करवा दूंगा। नहीं, मुझे कोई आप, मुझे आपकी कोई भी रहमत नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। अच्छा, आपको मेरी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए? नहीं, मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। क्यों? मैं मेरे हाथ में कांटे लगे, प्लीज जाइए यहाँ से। क्या परेशानी, आप कब का यूं बोल रहे हो मैं परेशान हूँ परेशान हूँ, क्या परेशानी आपको? मेरे अब्बा नहीं है, मेरी अम्मी बीमार है, मुझे उनकी दवाइयाँ खर्चा सब लाना पड़ता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जॉब की तलाश में हूँ, जॉब नहीं मिल रही है, ऊपर से आप मुझे परेशान कर रहे हैं, आप प्लीज जाइए यहाँ से। ओके सॉरी, तो जो आपके अब्बू हैं वो इस दुनिया में नहीं है, आप रो क्यों रहे हो? एक मिनट चुप हो जाओ। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, एक मिनट तो सुनो मेरी बात, एक मिनट सर सुनो, आप सिर्फ एक मिनट में चला जाऊँगा, सिर्फ एक मिनट चाहिए आपका, आप रो मत, एक मिनट सुनो पहले मेरी बात, आप रो मत प्लीज़ यार, अच्छा नहीं लग रहा कि आप मेरे सामने रो रहे हो। आपके जो मतलब पापा हैं वो इस दुनिया में नहीं है, और आपकी अम्मी, अम्मी बीमार हैं, अम्मी बीमार हैं, और आपके कोई बड़े भैया होंगे? छोटा भाई है। छोटा भाई है, तो घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं है, मैं ही हूँ, मेरी जॉब चली गई है, पहले जॉब थी मेरे पास, लेकिन उस जॉब में वो जो मेरा बॉस था वो बहुत बदतमीज़, निहायत ही बेशरम था, वो बहुत गंदी नज़र का था, मुझ पर गंदी नज़र रखता था, मैंने वो जॉब छोड़ दिया, मुझे नहीं करनी है ऐसी जॉब। क्या बोलता था आपका बॉस आपको, मतलब आपने वो नौकरी क्यों छोड़ दी? वो बोलता था कि मैं उसका हर कहना मानूंगी तो ही वो मुझे काम पे रखेगा, वरना सैलरी देगा वरना नहीं देगा, वो मुझे सैलरी भी नहीं देता था टाइम पे, मैंने छोड़ दी वो जॉब। तो आपको कोई उल्टा सीधा काम बोलता था वो करने के लिए? हाँ, वो उसकी नीयत गंदी थी, वो गंदा था इंसान, मैंने छोड़ दिया वो जॉब फिर। अच्छा, तो मतलब जिस ऑफिस में आप पहले काम करते थे वहाँ का बॉस आपको गंदी नीयत से देखता था, इसलिए आपने वो जॉब छोड़ दी? हाँ, वो मैंने इसीलिए छोड़ दिया। ओके, तो अभी रमज़ान चल रहे हैं और आज आपकी तबीयत ख़राब है इसलिए आपने रोज़ा नहीं रखा? हाँ जी। और आपके जो पापा हैं वो इस दुनिया में है नहीं, और मम्मी बीमार रहती हैं, और भाई छोटा है तो स्कूल वगैरह जाता नहीं? नहीं, अभी नहीं पढ़ता है वो। है? अभी पढ़ता नहीं है, उसकी पढ़ाई छूट गई है पैसे की तंगी की वजह से। अच्छा, तो आपका छोटा भाई स्कूल भी नहीं जा रहा, मतलब के पैसे नहीं आप लोगों के पास फीस भरने के लिए? फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, उसका स्कूल छुटाना पड़ा मुझे, मेरे पास उसकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, मैं माँ का इलाज कराऊँ, अम्मी का इलाज कराऊँ, या फिर मैं उसको पढ़ाऊँ? ओके, तो अभी आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही? ढूंढ रही हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ जॉब ढूंढते ढूंढते। तो अभी तो आने वाले टाइम में ईद भी आएगी, तो ईद में आप अपना खर्चा कैसे चलाओगे? इसीलिए जॉब ढूंढ रही हूँ, कोई जल्दी से कोई जॉब मिल जाए अच्छी सी। अच्छा, तो ओके, पहले आप मेरे साइड देखो, मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ कान पकड़ के, मैंने आपको यहाँ पे आके परेशान किया, मुझे नहीं पता था कि आपके घर की सिचुएशन ये है कि आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हो, मुझे ये नहीं पता था कि आपके पापा इस दुनिया में नहीं है, मम्मी बीमार हैं, भाई को स्कूल में भेजने के लिए, भाई को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं आपके पास, और आप घर में अकेले हो, मतलब काम करने वाले, और आप बहुत परेशान भी लग रहे हो, और आप मेरी वजह से बहुत वो भी हो गए, रोने भी लग गए थे। अच्छा, एक छोटा सा काम करोगे मेरा, मतलब आप बताइए,
छोटा सा काम ये है कि आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करोगे, सिर्फ 10 तक आप काउंट करो और अपनी आंखें बंद। नहीं, मैं अपनी आंखें क्यों बंद करूंगी? अब आपने मुझे इतनी देर अपने साथ बैठा लिया, तो 10 सेकंड सिर्फ आपको आंखें बंद करनी है। 10 जैसे आप 1 2 3 4 5 6 काउंट करोगे, 10 तक जैसे काउंट करोगे ना, आप अपनी आंखें खोल लेना, बस इससे ज्यादा कोई बड़ी बात। आपको सिर्फ यहां से चले जाएंगे? हाँ, मैं चला, आपकी कसम मैं यहां से चला जाऊंगा, आप सिर्फ 10 तक काउंट करो, ठीक है? पक्का? आंखें खोलनी नहीं आपको, आंखें बंद करके, ठीक है? ठीक है, और तेज तेज काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 एक आवाज ही नहीं आ रही, दो आवाज ही नहीं आ रही, अच्छे से काउंट करना है ना, नहीं तो फिर मैं यहीं पे बैठा हूँगा, कहीं जाऊंगा नहीं। आप क्या कर रहे हैं? आप, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, आपको सिर्फ 10 तक काउंट आप जाइए प्लीज। 3 आप दोबारा से, आप ये तो गलत, आप तो चीटिंग कर रहे हो, तो आपको अच्छे से काउंट करना है, 1 2 3 10 तक काउंट करोगे मैं अपने आप चुपचाप चला जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप चले गए? Thank you.